Hi everybody, this is me, Anu Malik. All I want to say is please subscribe, Dil Se Subscribe on Book My TV. इंडियन आइडल शो इतना सुपरहिट हो चुका है, इसके दो तीन रीजन है. वन इज द वे वी चूज द सिंगर्स. मैं सोनू और फरा, आप जानते हो मेरी ब्रांड ऑफ मस्ती तो चलती रहती है ऑडिशनिंग के अंदर, एंड पीपल जस्ट लव इट. और एक एंगल मैंने बहुत अच्छा लागे दिया, आई लव चेन्नई, आई लव हैदराबाद, आई लव पंजाब. तो बच्चे अभी कहते हैं, जो सिंगर्स हैं बोलते सर आप ये भी कह दो, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो भी डाल दो, आई लव सो एंड सो. मैं हमारे दिल्ली के अंदर भी कोई जगह है उसका नाम भी ले, कौन सी वो पूरी कौन सी जगह दिल्ली में जो जगह है, मोहित मुझे कहते रहते हैं मैं जहाँ से आया हूँ उसका ना भी नाम ले लो. तो आई लव द वे दे आर अट्रैक्टेड टू माई मस्ती एंड ऑल दैट. उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ मेजर क्रेडिट ऑल्सो गोज टू द सिंगर्स. अगर आपने जितने भी सीजन देखे हैं, दिस इज द बेस्ट सीजन एज फार एज सिंगर्स आर कंसर्न. ये सिंगर्स लाजवाब हैं. इनफैक्ट अब ये मुझे पता नहीं लगता है एज अ जज कौन इंडियन आइडल बनेगा, और मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि आप सब टॉप 8 जो हैं आप सब मेरे इंडियन आइडल हैं. वो मोहित हो जिसकी बेजोड़ आवाज़ है, जब वो गाता है माता रानी की भेंट गाए उसने तो उसकी जो रेंज है कमाल है. खुदा बख्श की कहानी आप सुनो कहाँ से आया है, तेजिंदर की स्ट्रगल सुनो कि तेजिंदर स्क्रैचेस गाता था और यहाँ तक पहुँचा है, और आवाज़ भी सुनो. एक तरफ आप साउथ को देखो, रेवांत को देखो, श्रवण को देखो और रोहित को देखो, मालविका को देखो, मानिया आई चली गई फिर से आ गई, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट वी हैव. और मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने जो किया सवाल उसका जवाब है कि कौन इंडियन आइडल बनेगा. जो जो एक एक निकलता जाता है हमें बहुत तकलीफ होती जाती है. आज मुझे बहुत तकलीफ हुई, और जितने भी सिंगर्स हैं इतने गुनी सिंगर्स हैं, इतने तैयार सिंगर्स हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमें मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, बोलते हैं अनु जी वी लव द शो, वी लव द सिंगर्स, वी लव योर कमेंट्स, एंड इट्स कॉट द फैंसी ऑफ द नेशन. और आप जानते हैं मैं बताना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, आवाज़ चल रहा है, वॉइस राइजिंग स्टार चल अब शुरू हो गया है, दिल हिंदुस्तानी शुरू हो गया है, उस बीच में इंडियन आइडल भी है. एंड इंडियन आइडल इज़ बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड द हाईएस्ट रेटेड शो. So that speaks volumes of the judges, speaks volumes of the singers, and the janta ne seene se laga liya show. Revant, jiske upar ajeeb si light hai upar wale ki, he could be the dark horse. Revant kahin piche se na aa jaye. Sabse pehle to batana chahta hu, I am relying completely on my instincts. मैं रिलाई करता हूँ अपनी 40 साल की ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस. आप जानते हैं कि मैं लता जी से लेकर मेरी बेटी अनमोल तक मैं काम कर चुका हूँ, रफ़ी साहब से लेकर, किशोरदा से लेकर, सोनू जी से लेकर टू अरिजीत मैं काम कर चुका हूँ. तो जितने भी सिंगर्स हैं मेरा रूप जो है शायद थोड़ा नज़र आया आज लोगों को. मैं मस्ती भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन सच बोलने से डरता नहीं हूँ. और जहाँ अब इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनमें से बनेगा इंडियन आइडल एक ही, तो सीने पे पत्थर रखे, अगर उनकी कोई खामियाँ होती है, मिस्टेक होती है, मैं पॉइंट आउट करता हूँ. एंड आई फील द जनता लिसन्स टू मी. जनता को पता, अगर अन्नू मल्ल ने कह दिया है कि यार इस सिंगर में आज गड़बड़ थी, उसके वोट कम हो सकते हैं, इतना पावर है. और मैं सच बोलना चाहता हूँ और सही इंसान को, लड़का या लड़की को इंडियन आइडल बनाना चाहता हूँ. तो मैं जब जज करता हूँ मैं देखता हूँ कि उनने मुखड़े में क्या, उनकी सबसे पहले थ्रो कैसा था, थ्रो के अलावा मुखड़ा कैसा सुर में था. तो फर्स्ट म्यूजिक के बाद जब वो अंतरे में आए तो अंतरे के अंदर उनकी बांट कैसी थी बोलों की, बहुत सी चीज़ें हैं. उसके अलावा जब वो एंड कर रहे थे गाना अंतरे से पहले, वो जब मुखड़े पर आ रहे थे तो जो ब्रिज था गाने का, उस ब्रिज के ऊपर वो कैसे उतरे इन टर्म्स ऑफ सुर, इन टर्म्स ऑफ ताल, इन टर्म्स ऑफ लय. मैंने आज पहली बार कैमरे पर बोली है बिकॉज आई सिंसियरली फील यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जो क्वेश्चन बहुत प्यार से पूछ रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे हैं. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा सवाल आपका कि भाई आप जज कैसे करेंगे. तो मैं एक ऑनेस्टी से जज करता हूँ, आई कैनॉट स्पीक फॉर अदर जजेस बिकॉज वो अपने तरीके से जज करते हैं. फराह हैज़ अर ओन स्टाइल, सोनू हैज़ इज ओन स्टाइल एंड आई रिस्पेक्ट दैट स्टाइल.
लेकिन मैं उतर जाता हूँ उनके उनकी गायकी में, उनके मुखड़ों में, अंतरों में। मैं भी जानता हूँ जनता बड़े मज़े लेती है मेरी शायरी के और मस्ती के, बट उन्हें मेरा दूसरा रूप पता नहीं है। और जो पता है कि जब वो उतरते हैं गाने के अंदर तो डूब जाते हैं, फिर उनकी गायकी में डूबता हूँ मैं, पता लगा जाता हूँ। और अगर मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट भी हो, अगर उसने गड़बड़ की हो, तो मैं उसको ऊपर बोल दूंगा कि आज तेरी दिस वॉज नॉट योर डे, आज तेरा दिन नहीं था। बहुत सी कहानियाँ हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑडिशनिंग टिल द टॉप 8। रेवांत की कहानी, जो हैंडसम डूड बोल रहे थे उसको, और सडनली पता लगा कि रेवांत शायद 2 साल का था जब उसके फादर चले गए, तो उसने फादर को देखा ही नहीं। खुदा बख्श की कहानी कि वो कहते थे कि वो घर बनाते थे और ईंटें फेंकते थे। आप सोचो, वो लड़का सिंगर है। खुदा बख्श की अपनी कहानी है, रेवांत की अपनी कहानी है, मोहित की कहानी मुझे रुला देती है। मोहित की कहानी ये है कि मोहित जगराता में गाता था, रात को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, और वहाँ से यहाँ आया। और मैं समझता हूँ माता रानी की कृपा उसके ऊपर, बिल्कुल माता रानी की भेंट गाते गाते वो यहाँ तक पहुँचा है, बहुत बड़ी बात है। आप किसी की भी कहानी पकड़ लो, कहीं ना कहीं कोई ऐसा दर्द छुपा हुआ है, ऐसी कहानी है, वो मुझे रुला देती है। लेकिन इनकी लगन और इनकी गाने की अगन मुझे जोश में ले आती है, एंड आई फील प्राउड। दिस इज वॉट मेक्स इंडियन आइडल। ये लोग जो आते हैं कि एक बार कोई, बल्कि जो नहीं रहते हैं वो भी जो चीज़ें बोल के जाते हैं वो कमाल है। बोला हम यहाँ तक पहुँचे तो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक रेवांत हो, मोहित हो, मालविका के देखो तो मालविका ने क्या क्या स्ट्रगल किया है, माँ बाप से दूर रही और सीखती रही म्यूज़िक। तो देर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ ऑल द सिंगर्स जो मुझे बहुत मूव करते, स्पेशली द टॉप 8 सिंगर्स। अगेन दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि जनता भी डिसाइड कर रही है और हम भी डिसाइड कर रहे हैं, 50-50 चल रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन आई सिंसियरली फील, मुझे तेजिंदर की आवाज़ बहुत पसंद है। तेजिंदर ऐसा लड़का है जो है बात, लेकिन गायकी में श्रवण बहुत सीखा हुआ है, तो टॉप 3 लेना मुश्किल है। लेकिन लड़कियों में मुझे मालविका आती हुई नज़र आती है, द लोन फाइटर, द लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली बात है ना, फॉर द वुमेन। आई थिंक मालविका इज एन आउटस्टैंडिंग सिंगर। तो इट कुड बी बिटवीन तेजिंदर, मोहित एंड मालविका। इंडियन आइडल का जो 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 खिताब जाता है, इट गोज़ टू अ वॉइस, इट ऑल्सो गोज़ टू अ पर्सनैलिटी, इट ऑल्सो गोज़ टू हाउ आप कितना रिलेट करते हैं विद द ऑडियंस। और मुझे लगता है मोहित रिलेट करने लग गया है विद द ऑडियंस। मोहित एंड रेवांत दो लड़के हैं जो ऑडियंस को पकड़ के बैठे हुए हैं, और एक ही लड़की है लेकिन मानिया भी है, मानिया इज ट्राइंग टू फाइट बैक। लेकिन मुझे मालविका पर लगता है कि आवाज़ है जो बहुत सालों तक रहेगी।